हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं फैक्ट सिंबल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक कबूतर ने बचाई 200 सोल्जर की जान, कहाँ हर इंसान की उम्र 100 साल से भी ऊपर है, यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल कौन सा है, एक ऐसा हेडफोन है जो आपकी माइंड को पढ़कर प्ले होता है। ऐसी ऐसी नई और इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है डॉल्फिन को इंसान की तरह बुद्धिमान माना जाता है। वो जब सोता है ना, अपनी एक आंख खोलकर सोता है ताकि दुश्मनों से बच के रहे। फैक्ट नंबर 16, यूएस की मैसाचुसेट्स में एक ऐसा जगह है जहां आप रात को बिना नहाए बेड पर जाना पूरी तरह से इलीगल है और संडे को नहाना इलीगल है। फैक्ट नंबर 15, चाइना में कई आदमी ग्रीन कलर की हैट पहनते हैं, पर ये ग्रीन कलर की हैट पहनने के पीछे का सच ये है कि वो आदमी मैरिड होता है पर उसकी वाइफ दूसरे आदमी के साथ रिलेशन में होता है, और ये ग्रीन कलर का हैट इसी बात का सिंबल है। फैक्ट नंबर 14, रशिया में एक बहुत ही फेमस गेम है, इस गेम का नाम है इंटरसेप्ट। इस गेम को खेलने वाले इंसान को एक कार चोरी कर भागना होता है, अगर वो 35 मिनट तक पुलिस से बच जाता है तो वो कार उसी का हो जाता है। अगर पुलिस ने उसे 35 मिनट के अंदर पकड़ लेता है तो उसे अरेस्ट कर जेल में डाल देता है। फैक्ट नंबर 13, न्यूवाड़ा में 3 स्टूडेंट मिलकर अपनी स्कूल में खुद के कंप्यूटर से स्कूल की आईडी पासवर्ड को हैक कर लिया, और वो हैकर दूसरे बच्चों से $300 लेकर उनके ग्रेड बढ़ा देते थे। फैक्ट नंबर 12, रेडियो को 50 मिलियन लोगों तक पहुंचाने के लिए 38 साल लगे, वही बात करें फोन की तो 20 साल लगे, और टीवी को 13 साल लगे, और गूगल को सिर्फ और सिर्फ 88 डेज लगे 50 मिलियन लोगों तक पहुंचाने के लिए। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं एक इंसान अपने जीवन काल में 100 टन खाना और 45,424 लीटर यानी 12,000 गैलन पानी का उपयोग करेगा। फैक्ट नंबर 10, जापान की ओकिनावा आइलैंड पर 450 ऐसे लोग रहते हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ऊपर है, इसीलिए इस जगह को दुनिया का सबसे हेल्दी जगह माना जाता है। फैक्ट नंबर 9, अमेरिका में डोमिनो पिज्जा की डिलीवरी करने वाले सभी ट्रैवलर्स कुल मिलाकर एक सप्ताह में इतना ट्रैवल करते हैं कि वो लोग चांद से 41 बार आना जाना कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, आज़ादी की बात हुई एक रिसर्च के हिसाब से दिल्ली के हर एक पॉइंट में इतना पोल्यूशन है और हवा का क्वालिटी इतना ख़राब है कि दिल्ली की पोल्यूशन वाली एरिया में सांस लेना मतलब एक दिन में 44 सिगरेट पीना बराबर है। फैक्ट नंबर 7, गेम के बारे में बात किया जाए तो फिनलैंड में मोबाइल थ्रोइंग एक स्पोर्ट्स गेम है जहां लोग मोबाइल फ़ोन को जान लगाकर फेंकते हैं, और जिसका फोन सबसे ज़्यादा दूर जाकर गिरता है वो ही जीतता है। स्पोर्ट्स में जो रिकॉर्ड होल्डर है वो है टॉम फ्लिप, जिन्होंने 136.75 मीटर तक फोन फेंका था। आप में से कौन कौन ये गेम खेलना चाहता है कमेंट ज़रूर करना। फैक्ट नंबर 6, मुँह के अंदर लगभग 50% बैक्टीरिया आपके जीभ में होते हैं, इसीलिए सांसों में ताजगी बनाए रखने के लिए जुबान को साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे मुंह से जो बदबू आता है हमारे दांतों की वजह से नहीं, हमारे जुबान की वजह से आता है। फैक्ट नंबर 5, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑफ न्यू साउथ वेल की रिसर्च में पाया गया है कि जिस इंसान की आँखें डार्क होता है वो बहुत ही एग्रीएबल होते हैं, मतलब हर बात पर सहमत होते हैं, वहीं जिनकी आंखें ब्लू होता है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं। फैक्ट नंबर 4, न्यूरोबियन नामक एक कंपनी ने एक ऐसा हेडफोन बनाया है जिसे लगाते ही आपकी सोच को पहले पढ़ता है फिर उसी हिसाब से प्ले होता है। फैक्ट नंबर 3, पूरे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल हमारे इंडिया का टी सीरीज है जिसका 15,03,00,000 सब्सक्राइबर है। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो स्वीडन की प्यूडीपाई जिसकी आज की डेट पर 10,06,00,000 सब्सक्राइबर है। फैक्ट नंबर 2, फास्ट वॉलवार के टाइम मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए कबूतर का यूज किया जाता था, इसी तरह एक कबूतर मैसेज लेकर जा रहा था, उस पर दुश्मनों की तरफ से किसी ने गोली चला दी,
वो गुली जाकर उसके टांग पर लगी। फिर भी वो कबूतर रुका नहीं, उड़ता रहा और सीधे वहीं गया उसे जहां जाना था। मैसेज पहुंचाने के बाद उसका इलाज किया गया था। उसकी टांग पर एक लकड़ी का टांग लगा दिया गया था और वो मैसेज जो लाया था उस मैसेज की वजह से करीब 200 सोल्जर की जान बच गए थे। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी दबा लो ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1, बीबीसी की स्टोरी में पाया गया है कि 56% पायलट को प्लेन उड़ाते समय नींद आती है। 29% को पायलट जाकर चेक करते रहते हैं कि वो लोग सो ना जाए, जबकि खुद को नींद आती रहती है। आपको इतने सारे फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट जरूर करना।